मैडम प्लीज मेरे हाथ से इसको कबूल कीजिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे जुम्मे की नमाज के लिए, मैंने पेपर खत्म हो गया, आखिरी पेपर दे के आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सिबलिंग्स। सो आज है जी मंडे, 7th रोज़ा है और 18th ऑफ मार्च डेट है आज। और सबसे पहले तो आज से रमज़ान जर्नी स्टार्ट हो रही है, एंड एक क्लिप पड़ा है मेरे पास, वो देखें पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शिलवाजू आपको लैपटॉप मिला, आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूं, प्राउड फील कर रही हूं। सब मेरे पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा। आर यू श्योर दैट ये आपका ही है? बस ये बस बेइज्जती नहीं पूछते ना, पूरा दिखाओ ना। हाँ दिखाओ दिखाओ। मैंने रंग लिया, ये पीछे एक लड़की नजर आ रही है, वो आपके साथ क्यों चल रही है? वैसे मेरे साथ गई थी, उसको मेरे साथ खड़े रहने से फिर हो रहा है। ओहो, अच्छा आपको किस सीडी पे लैपटॉप मिला? हो रही था फिर अभी। ओहो, हो रही था मुकद्दस तुमको मेरा पौने पांच था। हाँ इशल का पौने चार था, मेरा पौने पांच था। लैपटॉप इसको तो बिल्कुल भी नहीं मिला, जिसको मिला वो पीछे है, दोनों ही ब्लर हुई है। मेरा हम आपको लैपटॉप मिलने पर मुबारकबाद देते हैं, और वो भी पाकिस्तान जैसी हुकूमत के हाथ से मिला, फिर तो डबल मुबारकबाद। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? इशल बहुत बड़ी फैन है मरियम नवाज की, वो कह रही है वो आई है तो वो उसको भी देगी स्कॉलरशिप, अब देखते हैं मिलती है। इसे फोम को बाहर निकालो ना यार, नहीं खेलना देखने दे। थर्मल शीट कहते हैं, फोम नहीं कहते हैं पाकिस्तानी है भाई, तू थर्मल शीट कह ले। बर्गर बच्चे बने था यार, इतना ही लैपटॉप होता है, ये लैपटॉप का फुल साइज है बहन, फुल साइज इतना बड़ा होता है, वो होती है। दिखाओ 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 दिखाओ, मुझे नहीं उसको मिले, इन दोनों को मिले। अच्छा है, दिखाओ ना, ऑन तो कर ले, ऑन होता है कि नहीं? चार्जिंग ही ना होगी, चार्जिंग तो लगाना पड़ेगा ना, फिर थोड़ी चार्जिंग शायद कोई नहीं है। अच्छा दिखाओ, सही मैंने व्लॉग में बताया ये हैवी तो है, अच्छा खासा इधर। अच्छा है ना, प्लीज मेरे हाथ से इसको कबूल कीजिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके नसीब करे। ये सो रमज़ान जर्नी में इस तरह के चंक्स आपको मिलते रहेंगे, और इस तरह के क्लिप्स मैं ऐड करती रहूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है रमज़ान की रूटीन, यूनिवर्सिटी में जो भी है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और ये फर्स्ट रमज़ान होगा कि हमारे पेपर हैं इस रमज़ान, मिड्स हैं हमारे, मिड टर्म्स हैं, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि पेपर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, बरकत दे रमज़ान की। और बहुत एक्साइटिंग होने वाली जर्नी, और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ब्लॉग के लिए। आज से स्टार्ट होती है प्रॉपर जर्नी, सो स्टे कनेक्टेड एंड आपने लास्ट तक देखनी है जर्नी, सो लेट्स गो। क्लास में मैं पहुंच गई हूँ और अभी तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं अकेली आई हूँ। बसेस हमें बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देती हैं। एनीवेज व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, बट आपने पूरा देखना है और इसको इंजॉय करेंगे आप, क्योंकि मैं बनाने में इंजॉय करूँगी और आप देखने में इंजॉय कीजिएगा। आज की अपडेट ये है कि 4 कंजेक्टिव क्लासेस हैं, तो मुझे नहीं पता इसके बाद मैं कोई क्लिप बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। इंट्रो मैंने आज कर दी है, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्लिप किस डे का बनता है। मंडे का दिन है जी, सेमिनार आ गया सर पे। ये मेरी दोस्तें हैं सारी की सारी। गर्ल्स वेयर आर यू गोइंग? इफ्फत आबी और इस्मत लेके आनी है, मैंने अपने किरदार की कुव्वत के साथ जमाने भर के अंदर रोशनियां बखेरनी है। क्या ये आपका किरदार है या नहीं है? तो के अंदर रोशनियां फैलती है। आपका बहुत शुक्रिया, और आज का फंक्शन हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं वी आर लीविंग द हॉल। अच्छा था सेमिनार, छोटा सा था और मजे का था ना। अस्सलाम वालेकुम। आज प्लान था छोटा सा एक प्रैंक करने का, लेकिन मुझे चांस नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा आज बाहर का क्लिप बनाते, वेदर बहुत अच्छा है। तो आज है 10th रोज़ा और 21st मार्च, फर्स्ट अशरा वाइंड अप हो रहा है, पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है, एंड हमारी पहले अशरे की जर्नी ख़त्म होती है, और कल से स्टार्ट होगा सेकंड अशरा, और सेकंड अशरे की जर्नी शुरू होगी इंशाल्लाह। सो प्रैंक के हवाले से मैं आपको बताती हूँ, मैंने कल भी सोचा था लेकिन कल मैंने किया नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सोचा क्या है।
इशू पता है क्या होगा, पता नहीं है क्लास कहाँ होनी है। रूम्स दो है हमारे जहाँ पर क्लासेस होती हैं, दोनों में कोई ना कोई क्लास बैठी हुई है और उनकी क्लास होनी है ना, तो कंफर्म नहीं है कहाँ क्लास होनी है, वरना मैं ज़रूर आज प्रैंक करती। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है हमारे पास, नेक्स्ट वीक में जब भी मौका मिला मैं ये प्रैंक करूँगी ज़रूर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रैंक को लेकर। मे बी इस रूम में हो जाए। 2 hours later तीन क्लासेस थी, दो हो गई हैं जिनमें से एक मजाक हो रहा है। दो क्लास हो गई हैं सर, एक क्लास लेने नहीं थे आए और एक थी मैम एचओडी के साथ, उनकी जगह कोई और टीचर आई है और उन्होंने क्लास लेके हमें फ्री कर दिया और अब हमारा एक घंटा फ्री है, फिर तीसरी क्लास होगी हमारी। एनीवेज सारी अवाम मुझे तमीज कर रही है, तमीज करो, इस्लामाबाद के स्टूडेंट हो तुम लोग। ये मैंने सारी आवाज़ें डाल ली हैं ब्लॉग में। रमजान जर्नी चल रही है, दो अशरे भी रहते हैं, दो अशरों में हमारे पेपर भी होने हैं इंशाल्लाह, और पेपरों में हमारे बैंड बजनी है, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं अब आज का कोई और क्लिप बने या ना बने, तो आज के दिन को इतनी बाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल है जी फ्राइडे, कल का व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह, और कल यूनिवर्सिटी का नहीं व्लॉग होगा, कल जरा डिफरेंट होगा। आहिस्ता बोलो। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड। नहीं मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है, सुन लो फिर। आज है जी फ्राइडे और सेकेंड एशरे का फर्स्ट रोज़ है और अभी 11:50 हो गए हैं, तो अभी हमने जाना है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। सो मैं आपसे हिजाब करके मिलती हूँ एंड लेट्स गो फॉर नमाज जुम्मा। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था और अभी सब रेडी हो रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे जुम्मे की नमाज़ के लिए। मैंने कहा है अम्मी से कि जल्दी निकलना है ताकि मैं वहाँ जाकर पहले व्लॉग बना लूँ, देन हम खुद पा भी आराम से सुन लेना। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना वो बहुत डिफरेंट है और बहुत मेरे दिल के करीब भी है और मेरे लिए तो वो बहुत स्पेशल है। जिस मस्जिद में हम जाते हैं ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, उस मस्जिद में मतलब सुकून वो मस्जिद है और हमारी उस मस्जिद से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं मस्जिद में और अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ और आई एम सो हैप्पी कि हम जल्दी पहुंचे हैं और मैं आपको दिखाती हूं हम कहां बैठेंगे। वी आर लीविंग द हॉल। अस्सलामु अलैकुम। सो आज है जी 15th रोज़ा और 26th ऑफ मार्च, आज ट्यूसडे है और आज हमारा लास्ट डे होगा जो कंजेक्टिव क्लासेस वाला होता है ना। तो रमज़ान अपडेट ये है कि फ्राइडे को फर्स्ट पेपर है हमारा और फर्स्ट पेपर फ्राइडे इसी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट फ्राइडे तक जाएंगे और अब स्टार्ट होगी पेपर जर्नी रमज़ान में ही इंशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड और चलते हैं और आज की क्लासेस लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे क्लासेस के बाद। प्रैंक के हवाले से मेरा आइडिया है कुछ मज़े का और कल करेंगे इंशाल्लाह, और सिंपल सा होगा, मैं वो वर्ल्ड किस्म का प्रैंक कॉन्फिडेंस भी नहीं रखती और फिलहाल इतनी जल्दी नहीं, वो सादा सा मजाक करना है फ्रेंड्स के साथ और वो मेमोरी भी होगी और वो फन भी होगा इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी इंशाल्लाह। सो कल करेंगे वो प्रैंक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर गोइंग टू फवारा चौक। हमें खुद भी पता हम जा रहे हैं, बस इतना पता ऊपर जा रहे हैं। ओके वी आर हियर। हम ऊपर आ गए हैं, पता नहीं क्यों आए। अंदर ही जाना, सेमिनार है। हम करियर डेवलपमेंट के काबिल ही नहीं है। करियर डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी हमें अच्छी खासी और हमारे सर ने बुला दिया और अब हम जा रहे हैं क्लास लेने। फाइनली 16th रोज़ है आज और 27th ऑफ मार्च है, कल हमारा लास्ट डे है, देन फ्राइडे से पेपर स्टार्ट है एंड फाइनली आज डे है जी प्रैंक का दिन इंशाल्लाह। सो मैं करने जा रही हूँ प्रैंक और सिंपल सा एक मजाक सा होना ही है कि मैंने करना है हेड डाउन करना है मैंने, और इस ईयर पे मैं कैमरा एडजस्ट करूँगी इंशाल्लाह, और मेरी फ्रेंड्स आकर मुझे बुलाएंगी भी तो मैंने उठना नहीं है।
बस ये काम है, छोटा सा सिंपल। क्लास की क्लीनिंग हो रही है अभी, क्लीनिंग के बाद हम जाएंगे क्लास में। अभी तक कोई भी नहीं आया, एक लड़की को मैंने साथ ऐड करना है, उसे सारा बताना है मैंने इंशाल्लाह। सो चलते हैं क्लास साफ होने के बाद, फिर आपको मैं दिखाती हूँ क्या होगा। क्लास क्लीन हो गई है और इस ईयर पे मैंने कैमरा एडजस्ट करना है और देखते हैं कि एंगल ठीक आता है कि नहीं। देन वी हैव टू डू इट। अभी तक मेरी फ्रेंड कोई नहीं आई, वैसे क्लास फेलोज आ रही हैं लेकिन मेरी फ्रेंड कोई भी नहीं आई, तो कोई आ जाए क्योंकि एक बैग भी चाहिए, आगे से कवर करना है कैमरा, पीछे से ना नज़र आए बस। फ्लैश लाइट मैं वैसे भी नहीं ऑन करती इतनी, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं वाइल्ड ले जाऊँ, थोड़ा सा मैं ले जाऊँ, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी तक कोई भी नहीं आई मेरी फ्रेंड भी। आज हमारा आखिरी दिन वाइंड अप हो रहा है, कल आना है, मेरा तो कोई इरादा नहीं है कल आने का, इस हिसाब से हमारा आज आखिरी दिन बनता है। यार छुट्टी कर लेते हैं कल, मिड से पहले आखिरी दिन है। हाँ ऑब्वियसली कल ना मसला ये होता है, जो 2 घंटों का गैप आता जाता है ना फालतू में ही गैप आ जाता है। फिर परसों से पेपर स्टार्ट होंगे, परसों जुम्मा है, यहाँ से पेपर दे के मैं डायरेक्ट जाऊँगी जुम्मा पढ़ने। पता है जाहिर सी बात है, सब ने वहीं पे होना है, घर वालों ने भी वहीं पे होना है, सब ने वहीं पे होना है। तो फिर मैं घर जाके क्या करूँगी, घर लॉक पड़ा होगा, जुम्मे को पहला क्लिप बनेगा और तब पेपर भी होगा और जुम्मा पढ़ने भी जाना है इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आज है फ्राइडे और फर्स्ट पेपर है आज हमारा, और फिलहाल 10:30 बजे पेपर है और मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, तैयारी करनी थी पेपर की, इसलिए इधर मैं बैठी हुई हूँ। इधर हमारा पेपर होना है और मैं इस बिल्डिंग के आसपास ही बैठी हूँ ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े और रोज़ा ना लगे। सो फर्स्ट टाइम है कि मैं रोज़े के अंदर पढ़ने वाली हूँ, सो पढ़ते हैं और मिलते हैं पेपर के बाद। 7:30 बज चुके हैं, 10:30 पे हमारा पेपर है। फिर पेपर देकर मैं जब फ्री होंगी तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट जाना है नमाज़े जुम्मा के लिए, और ज़रा यहाँ से नज़दीकी पड़ जाती है, मस्जिद पढ़ते हैं। 3 घंटे हमारे पास अच्छी तैयारी हो सकती है अगर 3 घंटे हम ज़ाया ना करें तो। पता चलता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित है या नहीं है। फिर अब्दुर्रऊफ मनावी ने इसकी जो तारीफ बयान की, उसको कहते हैं कि खबर हजू पास हमारे उनके गोल फेर तकलीफ को हम खबर कहते हैं। अकवाल साहबी तभी भी हो सकती है, खबर किसी काम की होने या ना होने को भी खबर कहते हैं। अच्छा, खबर चूँकि वहाँ होती है हदीस। चल, आपका पेपर कैसा हुआ है? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो नहीं था, 3 घंटे में पढ़ते रहे हैं। 4 लोगों को मैंने तैयारी करवाई यार, आज मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। कुछ नहीं, मेरी तैयारी वैसे ही हुई है। और अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ नमाज जुम्मा के लिए अबू बकर मरकज, माय फेवरेट प्लेस। 2 छुट्टियां आई फाइनली, 2 छुट्टियों में सही आए। ये बड़ा मुश्किल है पेपर, बहुत मुश्किल है जो आ रहा कल परसों सोमवार को। मस्जिद में हम पहुंच चुके हैं, फिलहाल ये जो एरिया ही अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए इधर वजू वगैरह करना होता है। वजू मैं करती हूँ, हिजाब मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि इधर कोई सेट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मोबाइल की बैटरी भी डेड है, तो जितने क्लिप मेरे से बन सके मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह और आपको दिखाऊंगी। सो आज का डे वाइंड अप करते हैं,
क्योंकि आगे मैं अपना कोई क्लिप ना मैं भी बनाऊँ, क्योंकि अभी वजू करना है। सो आज का डे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट तैयारी के साथ इंशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड। अभी मैं आपको जाके हॉल दिखाऊँगी अगर कोई ना हुआ अंदर तो। इस मस्जिद को ना बने हुए 5-6 साल हो गए हैं और हम 5-6 साल से ही जा रहे हैं। पहले ये स्कूल था और इसी स्कूल में हम पढ़ते थे, फिर इसकी बिल्डिंग गिरा दी गई और अब ये मस्जिद बन गई है और स्कूल कहीं और शिफ्ट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एनीवेज आज फ्राइडे ही है और फिलहाल रात हुई हुई है और अभी जाना है हमने मालोसर कोता और वहाँ से हमने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। इधर क्वेश्चन बनता है कि पेपर्स में और रमज़ान में ऐसी आउटिंग का क्या ज़रूरत है, उसकी रीज़न मैं बताती हूँ आपको। रमज़ान है लेकिन घर ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई हो तो ग्रोसरी शॉपिंग तो ज़रूरी होती है ना, और आगे वैसे भी ईद आ रही है, ईद पर आपको बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह मदद करे इंशाल्लाह। पेपर्स की अगर बात की जाए तो अभी 2 छुट्टियां हैं, इसलिए मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा जाते हैं और जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। अगर कल पेपर होता तो डेफिनेटली मैं ना जाती, आज बैठ के तैयारी ही करती और रात पूरी तैयारी में ही गुजरनी थी पेपर की। लेट्स गो और चलते हैं और फिर वहाँ से आके तैयारी करेंगे 2 दिन में पेपर्स की और फिर आपको मिलेंगे मंडे वाले दिन। जुमे के टाइम मैं गई थी और हॉल खाली था, मैंने आपको दिखाया है, हॉल का क्लिप मैंने ऐड किया है। ये मतलब हॉल इतना छोटा नहीं था, और भी जगह है वो मैं दिखा नहीं सकी उस टाइम पे। एनीवेज चलते हैं अभी हमारे से गुदा। आज फर्स्ट ताक रात है, मतलब कि आज 20 रोजे वाइंड अप हो चुके हैं और 21वीं रात शुरू हो गई है, तो आज फर्स्ट ताक रात है आज। बट हमारे हो रहे हैं जी पेपर्स, क्या ही कहूँ मैं, और गुस्सा भी आ रहा है क्यों हो रहे हैं पेपर, नहीं होना चाहिए, तैयारी ज़रूरी है। 11:15 हो चुके हैं और मुझे अभी तक एक क्वेश्चन वाइंड अप नहीं हो रहा मेरा। सुबह पेपर है, सुबह है जी मंडे, लेकिन सुबह 3 घंटे हैं इंशाल्लाह मेरे पास। वी हैव टू डू तैयारी, बहुत बोरियत हुई हुई है। आपसे मिलते हैं कल, कल एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ। ये मैंने ज़रूर देखना है कि मेरा कल का पेपर होगा कैसे, कि मेरी तैयारी मतलब अच्छी तैयारी नहीं। धूप कहाँ से बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, 21वां रोज़ा है, सेकंड पेपर है हमारा। रात को बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी लेकिन 3 घंटों में मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है ना, इतनी अच्छी तैयारी की है कि प्यास लगना शुरू हो गई है। इसने करवाई है, इसने करवाई, मैंने भी की है, अकेले इसने नहीं करवाई, मैंने भी इसकी बहुत अच्छी तरह तैयारी करवाई है, मेरी वजह से इसकी हुई और इसकी वजह से मेरी हुई है। एनीवेज पेपर में 1 घंटा ऑलमोस्ट रह गया, सो पेपर दे के मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, सो आज हमारा 3rd पेपर था और 22nd रोज़ आया आई थिंक सो, और 3rd पेपर हो चुका है। कल का पेपर इतना खास नहीं होगा, टाइम शॉर्ट था, थोड़ा रह गया, स्किप हो गया और कुछ भूल गया। एनीवेज तैयारी अच्छी थी लेकिन पेपर नॉर्मल हुआ और आज का बहुत अच्छा पेपर हुआ। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। एनीवेज 3 पेपर रह गए हैं ऑलमोस्ट और आई एम सो हैप्पी पेपर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सो सुबह सुबह मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ और ऑलमोस्ट 7:40 होने वाले हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और आज है जी 3rd पेपर और 23वां रोज़ा है और डेट है 3rd अप्रैल। सो 3rd पेपर नहीं है आज 4th पेपर है हमारा। 2 पेपर रह गए आज का जब हो जाएगा तो, और सही हो रहे हैं, बस मंडे वाला पेपर थोड़ा वीक हुआ था। एनीवेज तैयारी करेंगे, 3 घंटे हैं हमारे पास और फिर पेपर देंगे, पेपर के बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। हम मिल चुके हैं पेपर से ही पहले क्योंकि हमारा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, पेपर बहुत इजी है इंशाल्लाह अपने से। थोड़ा सा तेरे बोल में गजब बेइज्जती है। जब पेपर देंगे उसके बाद बताएंगे पेपर कैसा हुआ है, नंबर कैसा होगा। मुझे तो लग रहा है बड़ा अच्छा होना, मैंने सही आज गप्पे ठोक के आनी है। गप्पों के नंबर नहीं मिलते। मिलते हैं, मैं बताती हूँ। सर ने ना हमें कुछ लिखवाया नहीं हुआ इस बार, कुछ सर ने हाँ प्रॉपर नहीं लिखवाया उन्होंने लेक्चर दिया, कहते थे जो मैं बोलता हूँ ना बस वो सुन लिया करो, और मैंने सुना है और वही लिख के आएंगे पेपर में इंशाल्लाह। 24वां रोज है और 4 अप्रैल है और आज का पेपर बड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन अच्छा हो गया। हौसला पे तो इशल का ना यार, कल आखिरी पेपर है कल जो, मैं कसम से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एनीवेज रमजान जनवरी वाइंड अप होने जा रही है, बस कल का दिन है और 1-2 और दिन के व्लॉग्स बनेंगे, वो भी घर के ही होंगे अगर हम कहीं गए तो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, रमजान जर्नी तो दिया ना। चलो आना मेरे घर में आऊंगी सिखाऊंगी। एनीवेज आज का दिन तो वाइंड अप हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम, सो आज है हमारा लास्ट पेपर और 5th अप्रैल है, 25वां रोजा है आई थिंक सो, और अभी तो पेपर की तैयारी करनी है, 2-3 घंटे हैं हमारे पास, देन पेपर देंगे और पेपर के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। सो आज लास्ट डे होने वाला है क्योंकि कल से छुट्टियां और यहाँ ईद की, मंडे ट्यूसडे वेंसडे पूरा वीक छुट्टियां हैं हमें ईद की ना, तो आज लास्ट डे है यूनिवर्सिटी में भी और लास्ट पेपर भी है। सो फिलहाल फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, मैं अकेली आ गई हूँ
और फ्रेंड्स का वेट करते हैं, फिर वो जब आएंगे तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। सो हम आज पेपर के बाद भी इंशाल्लाह मिलेंगे, और आज फ्राइडे है तो यहीं से मैं डायरेक्ट जाऊंगी जुम्मा पढ़ने, नमाज जुम्मे की, और आज आखिरी जुम्मा भी है, बहुत कुछ आखिरी चल रहा है आज। फिर अलविदा करते हैं जुम्मे को भी, आज का दिन स्पेंड करेंगे हम, और मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि कितना रश होगा आज मस्जिद में इंशाल्लाह। सो देखेंगे हम, और तैयारी करते हैं, अभी तो फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ फिलहाल मैं, तो पेपर के बाद मिलेंगे। पेपर से पहले भी मैं कोई क्लिप बनाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। सो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। सो आई जस्ट रिसीव द मैसेज कि मेरी फ्रेंड आ रही है, बस रस्ते में है, और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तैयारी इधर ही करते हैं मेन जो हम करते हैं। रोड बहुत ट्रैफिक वाला है, और तैयारी करते हैं, और लास्ट फ्राइडे आज लास्ट पेपर है, लास्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, तीन चीज़ें आज लास्ट हो रही हैं। कुछ बातें मैंने आपसे करनी थी। ये व्लॉग ना बहुत लंबा हुआ है, और इसमें बस मैंने अपडेट्स ही आपको दी हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था। और आई थिंक सो यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहला व्लॉग है इस तरह का बना होगा, और मैंने बहुत कुछ शेयर करने की कोशिश की है। रमज़ान जर्नी जहाँ तक मैं कवर कर सकती थी मैंने कवर की है, और अपने हिसाब से बहुत अच्छा व्लॉग मैंने बनाया है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे मैं बहुत चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। पेपर में 20 मिनट रह गए, पेपर के बाद ना सबने ना मुझे हाजिरी देनी है। आई वांट टू कैप्चर आखिरी पेपर के बाद की खुशी, इंशाल्लाह अच्छा होगा, इतनी मेहनत की है हमने इंशाल्लाह। पेपर के बाद मिलेंगे, अभी ये सारी मसरूफ है, 20 मिनट रह गए, अभी क्लास में हमने जाना है पेपर में। A few inches later. पेपर खत्म हो गए, आखिरी पेपर दे के आ गए हैं। पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ये हमारी एक फ्रेंड जा रही है अलविदा किए बगैर। पेपर खत्म हो गए, ये सारी ना कमीनियां है पूरी। इसको हर बार कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाता है, लगी रहो। अच्छे पेपरों की खुशी में क्या करना चाहिए हमें लाइबा? अल्लाह माफ़ी दे, रमज़ान रोज़े नथिंग। शुक्राने के दो नफल पढ़ने चाहिए, शुक्राने के दो नफल पढ़ें अगर आपको कोई खुशी मिली है। लाइवा मुझे अलविदा कर रही हो, ईदी ज़रा त्याशा रखी है। कंजूस, मेरी सारी दोस्तें कंजूस हैं, कुछ नहीं देती मुझे। सो मस्जिद में फ़िलहाल पहुँच चुकी हूँ, और आज अच्छा खासा रश होना है, इसलिए आगे मैं कोई क्लिप नहीं बनाऊंगी। अभी मैंने ये हिजाब वगैरह उतारना है और वज़ू करना है, और वज़ू करके फिर बैठ जाते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ कुछ भी। सो आज का डे वाइंड अप करते हैं, और दो तीन क्लिप्स और बनेंगे, दो तीन टूर और निकलने हैं, तो उनका मैं व्लॉग बनाऊंगी, देन आई विल शेयर माई रमज़ान जर्नी। सो आज का दिन एंड करना, आज पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, और अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। सो आज है जी संडे, और डेट है 7 अप्रैल, और हम आज जा रहे हैं माल ऑफ सरगोदा। लास्ट थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह शॉपिंग करनी है, और सो आज का क्लिप लास्ट होगा, देन मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। कल परसों में रमज़ान जर्नी का व्लॉग अपलोड कर दूंगी, एंड आज है 27th रोज़ा, 27वां रोज़ा गुजर, रात का टाइम है इस टाइम। सो कल 28वां और 29वां, ज़्यादा चांसेस है कि 29 रोज़े ही बनेंगे, देन बुध को ईद होगी। अच्छा, एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि मतलब मैं मंडे या ट्यूसडे कल परसों मैं ये रमज़ान जर्नी अपलोड कर दूंगी, देन स्टार्ट हो जाएगी चांद रात ईद के तीनों दिन का व्लॉग एक ही होगा ना, तो मतलब वो प्रॉपर चांद रात ईद की जर्नी एक ही व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। सो आज रमज़ान जर्नी वाइंड अप होने जा रही है, बस माल ऑफ सरगोदा जाना है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं क्लिप बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। व्लॉग मेरे बहुत दिल के करीब है, और इस पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सो सपोर्ट करें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर कीजिएगा इसको जितना हो सके। और मैं जो दिखाना चाहती थी मैंने दिखाया है, और पूरी रमज़ान जर्नी कवर की है मैंने। स्टे कनेक्टेड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पहले मुझे लगा था ये लास्ट क्लिप होगा, बट आगे 29वीं ताक रात लास्ट ताक रात थी, तो उधर हमारे पास ही एक मस्जिद है, हम वहाँ पे तरावी पढ़ने जाते हैं, तो वो ज़रा करीब पड़ती है, तो इसलिए तरावी वहाँ पे पढ़ लेते हैं, और जुमा वगैरह ये मरकज़ पढ़ लेते हैं, ये ज़रा दूर है। तो यहाँ पे था तकमील कुरान 29वीं ताक रात, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आपसे शेयर किया है, और बहुत मज़ा आया था। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि जो छोटे बच्चे थे उनको इन्होंने प्राइसेस दिए, जिन्होंने रोज़े रखे थे और जिन्होंने तरावी वगैरह पढ़ी थी उनको इन्होंने प्राइसेस दिए 500, एंड साथ में एक बुक वगैरह थी। तो मैंने आगे क्लिप बनाया, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है सबकी प्राइवेसी होती है। तो मैंने जस्ट एक बच्ची को बुलाया और उससे मैंने इंटरव्यू लिया छोटा सा, तो आप वो क्लिप देख लीजिएगा कि
उनको अप्रिशिएट किया जाए तो वो कितना खुश होते हैं बच्चे। जब भी तरावी पढ़ने जाती हूँ तो मैं इस तरह ही कैजुअल सा हिजाब करती हूँ और मैंने कहा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। एनीवेज इधर हमारी रमज़ान जर्नी वाइंड अप हो रही है और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे बहुत डिफरेंट आइडियाज़ लेकर मैं आऊँ। अल्लाह हाफिज़। आपने कितने रोज़े रखे हैं? 27 रखे हैं। माशाल्लाह, इनाम दिखाओ अपना।